نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اسلام کی عظمت کے منارے اسلام ہے دریا تو کنارے ہے صحابہ آقا ہے گر چاند تو ستارے ہے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی بادشاہی شہنشاہی اللہ جلہ جلال دی شان واسطے ہے درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین طہٰ یاسین خاتم النبیین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء ختم الانبیاء میرے اور تساں دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ و بالا واسطے ہیں تاڈا پتہ نہیں مینوں ہی لگدا کہ سٹیج پٹھا لگا ہے سارے بندے نظر نہیں آنے ایداں کر کے سٹیج لگا ہوندا نا ایداں کر کے سارے بندیاں تے نظر پیندی تے دوسری گل مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ جن بچے میرے کول پڑھتے ہیں قاری تسیم اللہ محمدی صاحب جانتے ہیں بھائی بلال جانتے ہیں انہیں ہی ماشاء اللہ اتنے بیٹھے ہیں اللہ پاک انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک اس پنڈ سے اپنی رحمت برکت کا نزول فرمائے ایک گل میری یاد رکھ لو کہ تقریر میں صرف 9:30 تک کرنی ہے 9:30 تک تقریر بس ہو جانی ہے بس جتھے بھی گل ہوئی اتنے ختم ہو جانی ہے
लिहाजा इन्हां 30-35 मिनटां दे विच विच मैं कोशिश करांगा कि तुहानूं गल समझा दें, लेकिन तुसीं जिन्हें उठ के जाना है बच्चों विचों, मेरे कोल भी 150-200 बच्चा पढ़ता है अलहमदुल्ला, जिन्हें जाना मेरा पुत हुणे चला जाए ताकि बदनजमी ना होए मेरी तकरीर अंदर ही नहीं किसी भी तकरीर अंदर कोई भी खतीब खिताब करे ये मुनासिब नहीं, जिन्हों को मसला पीछे बैठ जाए। प्रोग्राम की इंतजामिया मस्जिद की इंतजामिया इतने माशाल्लाह बड़े ही मशायख मौजूद ने, कारी तसीम मुला मुहम्मदी साहब, भाई सदफ तौसीफ साहब, माशाल्लाह इस तरह ही मैनू नाम नहीं आते, मैं चेहरिया तो वाकफ हाँ। मैं तो अगे बिलाल भाई नू कह रहा सी इन्ना सफ़र किया कारी साहब तुहाडे कोल ने माशाल्लाह, तुसी इन्हां नू बार बार सुनते रहा करो, शाने कुरान मौजू देता, शाने सहाबा देता, बार बार सुनते रहो, अल्लाह पाक किसे पिंड ते अपनी रहमत दा नजूल फरमाए। उची आमीन कहो यार, मैं तुहाडे वास्ते दुआ की थी, तुसी अपने वास्ते आमीन नहीं कहंदे, तुसी मेरे वास्ते 35 मिनट च कित्थों आमीन कहोगे भाई। हजरात ग्रामी कदर, माशाल्लाह हर किस्म का ही बंदा बैठा है, बच्चे बैठे ने, नौजवान बैठे ने, जेड़े मेरे भाई की शादी है, अल्लाह पाक इनू तोड़ खैर वफीयत नाल मामला फरमाए, अल्लाह पाक इन्हां दे घर ते दोनों घरानियां दे दरमियान उनस उल्फत प्यार अकीदत मुहब्बत पैदा फरमाए। या अल्लाह ये सारा अकद निकाह घिरा जड़ी है तोड़ तक पहुँचाए और इस जोड़े विचों नेक नरीना साले पैदा औलाद पैदा फरमाए। हजरात ग्रामी कदर, चूंकि 30-35 मिनट ने, मैं बड़े ही इख्तसार दे नाल तुसा सारे अहबाब का ममनून हाँ, मशकूर हाँ, जिन्होंने ए बजम का महफल का मस्जिद इंतजामिया मस्जिद खतीब मस्जिद कारी साहब अल्लाह पाक सब नूं बरकतां दे नाल नवाजे, यकीनन एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। मैनू बुजुर्ग घट नज़र आ रहे ने, मेरे नौजवान भाई तवज्जो करन जरा, असी इस मुल्के पाकिस्तान दे सूबा पंजाब दे अंदर तहसील समुंदरी है जी, ताड़ा तहसील समुंदरी 531 काफबे दे अंदर बैठ के किसी डर तो बगैर, किसी झिझक तो बगैर, किसी भी दबाव तो बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान सुन रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुन रहे हैं, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुहानू पता है इस आराम के पिछे, इस सुकून के पिछे किन्नियां लोकां दीयां कुर्बानियां ने, जानते हो? मेरे बुजुर्ग जानते हैं, इस मुल्क दीयां बुनियादां दे अंदर मेरे असलाफ का, मेरिया मावं और बहनों का खून शामिल है, मेरे आबाओ इजदाद का खून शामिल है, खून दिता, कुरबानी दिती, कुरबानी देने तो बाद तुसी आज अपने 531 गाफबे पिंड के अंदर उदी मस्जिद के अंदर बैठ के तकरीर सुन रहे हो, अल्लाह का कुरान सुन रहे हो, पिछे कुरबानियां ने। मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं, हजरात ग्रामी कदर तुहाडी इस मस्जिद की अलमारी के अंदर कुराने मजीद महफूज है, इस मस्जिद की अलमारी के अंदर किते हदीस की किताब भी मौजूद और महफूज होएगी, तो तुसी की समझते हो ये बगैर कुरबानी तो ही कुराने मजीद महफूज है? बगैर कुरबानी तो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक एक फरमान और आप दा फरमुदा, वो जेर और जबरा जिन्होंने मेरे पैगंबर दे लबां दे बोसे लए ने, वो एवें ही महफूज ने? अज मेरी तेरी वजह तो कुरान नूं छड्ड दिता, उन्होंने कुरान नूं जला दिता, मेरी तेरी बदकिस्मती उन्हां लोगों ने कुरान वास्ते कुर्बानियां दित्तियां सन, शाने कुरान महफल है, कुरान वास्ते कुर्बानी दित्ती तां तेरी 531 दी मस्जिद दे अंदर कुरान महफूज है, इस वास्ते हदीस महफूज है। जिस तरह असी तुसी गल कर दिंदे आ कि पाकिस्तान सानू बड़ियां कुर्बानियां तो बाद मिले है, हजरात ग्रामी कदर इसे तरह ही कुरान सहाबा दियां कुर्बानियां तो बाद मिले है, हदीसे पाक सहाबा दियां कुर्बानियां तो बाद साडे कोल महफूज है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिथे जिथे मेरे पैगंबर दा यार लेटिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करवट करवट अपनी रहमत दा नज़ूल फरमाए। थोड़े जे वक्त के अंदर
मैं नबी पाक अली सलातो वसलाम दे सहाबा दियां कुर्बानियां और शाने कुरान दे अंदर भी इंशाल्लाह मैं अपना हिस्सा पा के जावांगा। वैसे तुहाडे जिहड़े माशाल्लाह शुआरा ने जिन्होंने नज़मां पढ़िया ने उन्होंने कसर कोई नहीं छड्डी, उन्होंने सारे खतीबां दे शेर पढ़ छड्डे ने माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकतां दे नाल नवाजे। लेकिन आपां कुरान दी मुहब्बत अपना हिस्सा इंशाल्लाह पा के जाना, तवज्जो है ना इंशाल्लाह, तवज्जो है इंशाल्लाह। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा पूरी तकरीर दे दौरान ऐतियां मिनटां दे अंदर अंदर जिथे जिथे मेरे पैगंबर दा नाम आएगा 531 गाबे दे आबासिया मेरी तेरी पहली मुलाकात है, तेरी जुबान चुप नहीं रहनी चाहिदी, मेरे पैगंबर दी जात ते दरूद पढ़ना है। मैं लै दोबारा नाम लवांगा ते मुंह मिठा कर दरूद पढ़। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दरूदों सलाम आ गया, जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दरूदों सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सीना पाक ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद नु नाज़िल फरमाया, तवज्जो मेरे वल, फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफारी रुहमा बैनहुम। सोनियो तुहाडे कोलों पुछदे ने तुसी कौन हो ते लै दस दिओ, मेरा रब मेरे पैगंबर दा तारफ करवा रहे ने। फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, कायनात दे लोगो मैं अल्लाह दा मुहम्मद रसूल हां, अल्लाह ने मैनू तुहाडे वास्ते नबी बना के भेजिया है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफारी रुहमा बैनहुम। सोनियो तुहाडे सहाबा दे मुतलक सवाल करदे ने, मेरे महबूब पैगंबर दस दिओ इन्हां नूं वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफार। सोनिया ऐ जेड़े तेरे तेरे नाल फिरदे टुरदे ने, ऐ जेड़े ईमान लैके आंदे ने। वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफार रुहमा बैनहुम। सोनिया आपस दे अंदर बड़ा ही प्यार ते मुहब्बत करन वाले आमनो। वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफार, लेकिन जदों काफरां दियां वारियां हुंदियां ने ना मेरे पैगंबरा, उदो सख्त हो जाते हैं, तो जो आपस के अंदर वारी आती है तो आपस के अंदर फुलां दी बहार बन जाते हैं। काफरां वास्ते नंगी तलवार मेरा पैगंबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सीने ते कुरान नाज़िल होया। तरीफा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा दियां, तवज्जो मेरे वल, फरमाया वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफार रुहमा बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदैन यबतगून फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना। सोनिया रुकू करते ने, सजदे करते ने, आहोजारी करते ने, सोनिया नेकियां करते ने, इस वास्ते कि तेरी रजा तलाश कर ली जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह 531 दे रहण वाले आ, मेरे पैगंबर दे सहाबा ने कुर्बानियां दित्तियां तेरे मुल्के पाकिस्तान वास्ते, मेरे अबाओ अजदाद ने ते तेरे अबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दित्तियां। असी किसी नूं गल नहीं करन दिंदे, इस वास्ते मेरा मुल्क इहदियां बुनियादां दे अंदर मेरे असलाफ दा खून शामिल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इसे तरह ही कुरान मेरे कोल महफूज है, इहदे पिछे भी सहाबा दियां कुर्बानियां ने। आओ मैं बयान करा किवें किवें दियां कुर्बानियां सहाबा दियां, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनियां जान दियां कुर्बानियां सहाबा ने दित्तियां।
अपनी माल दियां कुर्बानियां दित्तियां। मैं सिर्फ दो दो मिसालां बयान करांगा नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबा दियां कुर्बानियां दियां। उम्मीद है इंशाअल्लाह टाइम पूरा हो जाएगा, ए दो दो मिसालां ही सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह, साडे अंदर भी शाने कुरान दा और कुर्बानी देन दा जज्बा पैदा हो जाएगा। जिथे जिथे पैगंबर दे खिलाफ वर्जी होएगी, जिथे जिथे शाने कुरान की बेहुरमती की जाएगी, मेरे पैगंबर की नाउज़ुबिल्ला बेहुरमती की जाएगी, उत्थे उत्थे असीं इंशाअल्लाह साडे बुजुर्ग साडे नौजवान मुसलमान दा बच्चा बच्चा गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती शहर शहर दे विचों निकल के ऐलान करेगा, ओए काफरो असी नबी पाक अली सलातो सलाम दी इज्जत दे पीछे कुरान दे पीछे जाना लेना भी जानते हैं, जाना कुर्बान करना भी जानते हैं इंशाअल्लाह। ओ तैयार हो इंशाअल्लाह, हाथ चुको हाँ जरा जेड़े जेड़े तैयार ने इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक मुहब्बत कबूल फरमाए। आओ मेरे पैगंबर दे सहाबा दियां कुर्बानियां मैं दसां, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा ने अपनी जान दियां भी कुर्बानियां दित्तियां, अपना माल भी कुर्बान कर दिता, अपनी औलादां नूं भी कुर्बान कर दिता। आओ जान की कुर्बानी बयान करा, सब नालों पहली कुर्बानी नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबी हजरत हबीब बिन जैद सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। माड़ा जा सहाबी मेरे पैगंबर दा ते अठ बच्चे ने, किन्ने बच्चे ने? अठ बच्चे सहाबी दे ते टोकरी चकदा है, छाबड़ी चकदा है, खजूरां वेचदा है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नू मुसैलमा कज़ाब ने एक खत कलिया, खत दे अंदर लिखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल सुन, तू अल्लाह दा सच्चा रसूल है, मैं मानना वा, लेकिन आप एक सौदा कर लेने, जिन्नी देर तक तू जिंदा है तू नबी है, तू जो चला जाएगा तेरे बाद नबूवत मेरे हवाले, जिन्नी देर जिंदा है तू नबी, जिन्नी देर तू चला गया उदो मैं नबूवत संभाल लैनी है, तू ऐलान कर दे पहली गल। ते दूजी गल, अगर तू चाहना है ना जेड़ा जेड़ा इलाका लेना चाहना ले ला, कब्जा कर लै, अद्धा इलाका तेरा ते अद्धा मेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने जेड़ा कासद लैके आया ना खत लैटर लैके आया, आका फरमांदे ने अगर सफीर नू कतल करना नजायज ना हुंदा ते मैं अज तेनू कतल कर दिंदा, कतल करवा दिंदा, तू जिवें दा खत लैके आया। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने खत पढ़िया, आका फरमांदे ने मैं खत दे जवाब दे अंदर लिख रहा वा, खत लिख रहा ते केड़ा मेरा सहाबी है जड़ा मुसैलमा कज़ाब दे दरबार दे अंदर जाएगा, जाके मुसैलमा कज़ाब नू खत देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर ने खत लिखिया, खत लिखिया ते खत लेके मेरे पैगंबर ने आवाज मारी है, ये सहाबी दूरों चलदा रहा ते जुबान दे अंदर मुंह दे अंदर इन्हें कोई खजूर पाई हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर ने फरमाया केड़ा मेरा सहाबी है, जे सारे सहाबा मौजूद ने, आका फरमांदे ने केड़ा सहाबी मेरा जाएगा मुसैलमा कज़ाब दे दरबार दे अंदर। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला ने दूरों ही आवाज दे दी, दूरों ही कहता या नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे पैगंबर मैं जावांगा, कहिंदे मैं जावांगा, ते सहाबी कहन लगे हबीब वो जो कुछ खान दिया ये तो पूरा खा ला, वो पहले खा ला बाद च गल कर ली। ते हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने ना 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 ना, मैं सोचिया किते मेरा पैगंबर ऐलान करे ते मेरा कोई होर साथी ना हाथ खड़ा कर ले, इस तो पहले मैं हाथ खड़ा कर लवा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर ने खत पकड़ाया ते हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला नूं खत लैके चल पे। चलदियां 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 मुसैलमा कज़ाब दे अंदर अपने सिपाहियों दे नाल बैठा अपने हलका हबाब दे अंदर, ते जाके हजरत हबीब बिन जैद ने खत पकड़ाया, खत पढ़िया ना ते इनू बड़ा गुस्सा चढ़िया, ते इन्हें वेख्या कि उत्ते ते मेरी बेइज्जती करके लिख दिती है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बदबखत कहन लगा हजरत हबीब बिन जैद नू, ओ चल मैनू कोई नबी नहीं मानदा ना मन्ने, तू मैनू नबी मानदा कि नहीं मानदा, तवज्जो मेरे वाल इधर मेरे वाल वेखो यार छड्डो, की कहन लगा तू मैनू नबी मानदा कि नहीं मानदा, की कहंदा तू मैनू नबी मानना कि नहीं मानदा। ते हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला ना
मुस्कुराए हसे ते हस के ना मजाक उड़ा दिता। वो बंदा कल्ला होए ना कल्ला किसी की बेइज्जती बर्दाश्त कर लैंदा है। ते 531 दा भट्टी साहब की दुकान के अगे मजमा लगा होए ना चार पांच बंदे खड़ोते होना शाकर साहब दी दुकानों के अगे तो टोला बजे होए तो उहदे विच किसी की बेइज्जती कर दो ना तो वह अगला बड़ा यार कहिंदा मैं तैनूं वढ देंगा मार देंगा। यारी दोस्ती भावें लख लख गाला कढ दे हाँ यार कोई नहीं तो लड़ाई जो मैनू इन्हें गाल कढ दी सी जी मैनू इन्हें भरे बंदियां च बैठे मेरा नक् कटता इन्हें। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब दे परे मजमे दे अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब बदबख्त दा मजाक उड़ा दिता। ते मुसैलमा कज़्ज़ाब बदबख्त कहन लगा इहदा जनाब उज़्व उज़्व कट दिता जाए ओनी देर तक इहदा जिस्म कटिया जाए जिनी देर तक मैनू नबी ना मन लवे। हदीस दे अंदर अल्फाज मौजूद ने फकत अहु उज़्वन उज़्वन सुम्मा माता। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इंज करके पहले नाखन कटे पैरां दे फिर जनाब उंगलियां कटियां पाँव कट दिते घुटना कट दिता लत कट दी उज़्व उज़्व कटते पे नहीं ते नाले कहिंदा पिया बदबख्त मैनू नबी मनदा है कि नहीं मनदा। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने अपनी जान कुर्बान कर दी है लेकिन पैगंबर दे नाल गद्दारी नहीं की बेवफाई नहीं की। 531 चक दे आबासियां तेरे मेरे ते आजमाइशां आईया ही कोई नहीं ये नहीं वेखिया नबी दे यार ने कि मेरे अठ बच्चे ने अठा बच्चिया के अंदर मेरे बच्चे छोटे छोटे भी नहीं उन्होंने मुस्तकबिल का की बनेगा उन्होंने फ्यूचर का की बनेगा ना 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 ये नहीं सोचा अपनी जान कुर्बान कर दी थी मेरे पैगंबर दे विचे अल्लाहु अकबर अल्लाह ये एक वाकया। आओ दूसरी हदीस बयान करा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामे कहे ना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही अल बुखारी दे अंदर वाकया मौजूद है किताबुल मगादी दे अंदर लिखिया तवज्जो मेरे वल मेरे पैगंबर ने 70 सहाबियां दा लश्कर कढ़िया 70 सहाबियां दा लश्कर तैयार कीता ते मेरे मौना दे वल कढ़िया उन्हां दे अमीर हजरत हराम इब्ने मिलहान सब कहो रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु लश्कर दे अमीर बना के मेरे पैगंबर ने कले 531 चक दे आबासिया अल्लाह दी कसम मैं हदीस पढ़ी मेरा दिल कंब गया अल्लाहु अकबर एवें दियां कुर्बानियां भी मौजूद ने अल्लाहु अकबर 70 सहाबियां दा लश्कर बना के मेरे पैगंबर ने बेटे मौना दे वल कलिया हजरत हराम इब्ने मिलहान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उन्हां दे अमीर बना के कले ना आमर बिन तुफैल दे इलाके दे अंदर ए लश्कर गया अल्लाहु अकबर हजरत हराम इब्ने मिलहान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कल्ले ओदे दरबार दे अंदर गए 70 सहाबा मेरे पैगंबर दे मेरे मौना ते खड़े हो गए कल्ला मेरे पैगंबर दा यार गया अमर बिन तुफैल दे दरबार दे अंदर जदों इंज करके दाखिल होए ना अमर बिन तुफैल कहन लगा तू मेरे दरबार दे अंदर दाखिल होया ते सिर क्यों नहीं झुकाया अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत हराम इब्ने मिलहान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने जदों दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ दे उते हाथ रख दिता है ना ओदां दे गैरां दे वल जनाब सिर झुकाण वाला मामला ही खत्म कर दिता है। ए गर्दन कट दे सकदी है लेकिन गैरुल्लाह दे सामने झुक नहीं सकदी। इस बदबख्त ने पिछों इशारा कीता है उस बदबख्त ने जनाब दे सिपाही ने पिछों नेजा मारिया कंड वाले पासों नेजा लगा है सीने वाले पासों नेजा बाहर आ गया खून का फवारा निकलिया मेरे पैगंबर दे यार दे सीने दे विचों अल्लाहु अकबर अल्लाह वो कदी पढ़िया करना मेरे पैगंबर दे यारा दियां दास्ताना कदी टिकटॉक तो तेरा टाइम लग जाए कदी इंटरनेट दी गंदी दुनिया तो तेरा टाइम लग जाए ते मेरे पैगंबर दे यारा दियां कुर्बानियां भी पढ़ लिया कर अल्लाहु अकबर अल्लाह पिछों नेजा मारिया कंड वाले पासों नेजा लगा ते सीने वाले पासों नेजा बाहर आ गया खून दा फवारा निकलिया मेरे पैगंबर दे यार दे सीने दे विचों हजरत हराम इब्ने मिलहान रज़ी अल्लाहु तआला ने इंज करके अपने खून का बुक भरे है बुक भर के ते अपने पूरे जनाब जिसम दे उत्ते डाल ले है नाले पूरे जोर दे नाल नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सी यार ने नारा बुलंद कीता है कुफर दे दरबार अंदर कुफर दी सरकार अंदर काफरां दे झुंड दे अंदर मेरे पैगंबर दे यार ने उची दिनी नारा लगाया है फरमांदे ने फुज़तू रब्बिल काबा फुज़तू रब्बिल काबा फुज़तू रब्बिल काबा मैनू पैदा करना
वाले रब दी कसम मैं कामयाब हो गया वा, मैं कामयाब हो गया वा। अमर बिन तुफैल शशदर रह गया, हैरान रह गया, वो यार है किदां दे बंदे ने, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे साथी किदां दे साथी ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनियां जानां कुर्बान करन नूं भी जनाब इसे फखर समझदे ने, अपनियां जानां कुर्बान करन नूं भी जनाब कामयाबी समझदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वो यार कदी मेरे पैगंबर दे यारां दीआं दास्तानां पढ़ लिया कर, कदी मेरे पैगंबर दे यारां दीआं कुर्बानियां भी पढ़ लिया कर। इस बद वक्त ने अपने सिपाहियां नूं बेरे माउना ते घल्लिया, एक एक करके मेरे पैगंबर दा यार उत्थे बेरे माउना ते शहीद कर दिता गया है। 70 सहाबा मेरे पैगंबर दे बेरे माउना ते शहीद कर दिते गए। अल्लाह ना करे लख वार ना करे, इत्थे तेरे 531 चक दे अंदर अगर एक घर दे अंदरों 5 मैयतां निकल जाण, ते लोग जनाब अफसोस करदे ने, यार अफसोस है, अफसोस है। एक घर दे अंदरों 5 जनाजे निकल गए, एक घर दे अंदरों 5 मैयतां निकल गईयां। ओ यार कदी दिल ते हथ रख के सोचिया ते करना, ओ मदीने शहर दा की समा होएगा जिथों 70 जनाजे एक वारी निकल गए होणगे, जिहदे शहर दीआं 70 औरतां बेवा हो गईयां होणगीआं, 70 घरां दे बच्चे यतीम हो गए होणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक एक करके गर्दन कटवा लई, लेकिन मेरे पैगंबर दे यारां ने अपने सरकार दे नाल बेवफाई नहीं कीती। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते मैं क्या करना वा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारां दे नाल यारी लगा, उन्हां दी सुन्नत दे मुताबक अमल कमा, जिहड़ा उन्हां ने कम कीता उह कर लै, जिहड़ा उन्हां ने छड्डिया छड्ड दे, उन्हां दीआं कुरबानियां नूं किसे कम दे उत्ते ला। उन्हां दीआं कुरबानियां ने इस कुरान दे पिछे, इस हदीस दी हिफाजत दे पिछे उन्हां दीआं कुरबानियां ने। मेरे पैगंबर दे यारां दे नाल यारी लाया कर। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लाओ मैं तुहाडा ज़ौक ताज़ा कर दियां ते नाल ही अपनी मुहब्बत दा इज़हार भी कर दियां। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। सारे नहीं बोले उची कौ सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए, तेरे लई रब की जन्नत में महल तैयार हो जाए। नबियों और रसूलों सहाबा भी, सहाबा भी मिले चुन चुन के ये यार हो जाए। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा, ना ना ना, के बेड़ा पार हो जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए मेरे पैगंबर दे सहाबा जिन्होंने अपनियां जानां दीआं परवाह कीतियों बगैर मेरे पैगंबर दे नाल वफादारियां कीतियां, इत्थे ते जान जान भी कुर्बान कर दित्ती। आओ हुण माल दीआं कुर्बानियां दसां। ओ यार मैं एक गल समझाण लगा, शायद किसी दे दिल दे अंदर गल बैठ जाए। इत्थे सारे मुसलमान बैठे हो ना माशाल्लाह, ओ सारे मुसलमान हो? ओ यार मैं मुसलमान, तुसी सुनने वाले मुसलमान जे, ए सारी मस्जिद के अंदर मुसलमान बैठे ने, ए सारा पिंड मुसलमाना दा, सारा मजमा मुसलमाना दा, सारा मुल्क मुसलमाना दा, 110% इत्थे मुसलमान बैठे ने, ते शान काली कमली वाले दे सहाबा दा बयान हो रहा। गल अगली है, सुनाने वाला काफर, सुनने वाले काफर, मजलस सारी काफरां दी, मोहल्ला सारा काफरां दा, इलाका सारा काफरां दा, मुल्क सारा काफरां दा, 110% मजमा काफरां दा है, ते शान फिर काली कमली वाले दे यारां दा बयान हो रहा है। वो कहो सुभान अल्लाह, सारे काफर ते शान सहाबा दा बयान हो रहा है, सारे काफर
लिखिया कितने लिखिया बुखारी दे अंदर कभी पढ़ी जे वो बुखारी शरीफ कभी पढ़ी जे वो वेखी तो होएगी कभी वेखी जे कभी वेख्या जे बुखारी शरीफ के अंदर लिखे है वो मैं मुसलमान तुसी मुसलमान शान सहाबा दा कमाल ठीक है लेकिन सुनान वाला भी काफर होए सुनन वाला भी काफर होए तो शान फिर सहाबा दा बयान होए कमाल इनू कहिंदे ने जिहदी दुश्मन भी चढ़ के तारीफ करे फजल उन्हों कहिंदे ने शान वो होंदी है जिहदी दुश्मन भी तारीफ करे लिखिया लिखिया बुखारी के अंदर तवज्जो करो यकम मुहर्रम लहराम ते दस हिजरी नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने खत लिखवाए मुख्तलिफ बादशाहां दे वल खत लिखवाए मेरे पैगंबर ने तवज्जो मेरे वल एक खत नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने हिरकल बादशाह दे वल कन्हया ते खत लैके गए ने हजरत दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हो जाके ज करके खत सामने रखे जनाब बादशाह दे सामने खत पहुंचया उन्हें आख्या जनाब है किंदा खत है खत कित्थों आया है उन्होंने आख्या जनाब है खत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खत है उन्हें आख्या मैं दे मतलब पहले भी खबर सुनिया ने एक काम करो ना अपनी फौज दे विचों कुछ बंदे भजा दियो ओदा जनाब ओदे इलाके दे अंदर रहण वाला बंदा नूं लै करके आओ ओनू पकड़ के लैके आओ मैं इन्हां दे मतलब कुछ सवालों जवाब करना चाहना वा सरदार अबू सुफयान हजे उन्हां दिनां दे अंदर मुसलमान नहीं सी होए तजारत दी गरज दे नाल उस इलाके दे अंदर गए होए सन हरकल बादशाह दे जनाब सिपाहियां ने पकड़ लिया सरदार अबू सुफयान नूं पकड़ के जनाब बादशाह दे सामने लै गए बादशाह ने इंज करके सामने खड़ा कर लिया सरदार अबू सुफयान फरमाते ने मैनू बादशाह ने सामने खड़ा कर लिया ते मेरे नाल दे जिहड़े बंदे ने मेरे मगर खड़े कर लए उन्हां नूं कहण लगा मैं इस बंदे दे मुतलक इस खत वाले बंदे दे मुतलक मैं तुहाडे कोल सवाल करना चाहना सवालों के जवाब तो मैं सही सही देने ने ते मगर लिया कह लगा जिथे झूठ बोले उथे दस दिया जे मैं वेखना चाहना झूठ क्यों बोलता है सरदार अबू सुफयान फरमाते नहीं इंज करके मैं सामने खड़ा वा ते दिल दे अंदर यह है अगर मैं झूठ बोलिया तो मेरे नाल दे जड़े पिछे खड़े ने की कहणगे किड्डा वड्डा चौधरी हो के झूठ पिया बोलता है कहिंदे दिल करदा सी कि मैं कलमा नहीं सी पढ़िया जिमें जिमें हिरकल बादशाह जरा सवाल करता रहेगा नबी पाक अली सलातो सलाम के मुतलक तो मैं जवाब के अंदर झूठ मारदा रहा अगर सच बोलांगा तो तारीफा होनगियां सच बोलांगा तो काफर दे दिल के अंदर पैगंबर की मुहब्बत बैठ जाएगी चूंकि मैं मुखालफ इस वास्ते मैं तारीफा नहीं सी करना चाहता लेकिन झूठ भी इस वास्ते नहीं बोलिया कि मेरे नाल दे जड़े मगर बंदे पीछे खड़े ने वो कहणगे किड्डा वड्डा चौधरी हो के झूठ पिया बोलता है सरदार अबू सुफयान ने दसिया कि वड्डे वड्डे चौधरियां दा काम झूठ बोलना ओ बोलो झूठ बोलना इतने जिड्डा वड्डा चोरी होएगा ना ओडा वड्डा पकड़ तोलेगा ओडा वड्डा झूठ बोलेगा जिड्डा वड्डा चोरी होएगा हजरत सरदार अबू सुफयान अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारे नु हदायत अता फरमाए सरदार अबू सुफयान कहते ने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे मुतलक सवाल करदा गया करदा गया करदा गया सवाल करने वाला कौन है उची बोलो काफर कौन है काफर दे जवाब देने वाला भी जवाब देने वाला भी काफर दे शान मेरे पैगंबर दे यारां दा बयान होने लग्या तवज्जो करे आजे आंदे ने नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे मुतलक उन्हें मेरे को सवाल करने शुरू कर दिते करदिया करदिया आका अलैहि सलातो सलाम दे सहाबियां दे मुतलक भी मेरे को सवाल कीते अच्छा एक गल दसना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कोई साथी कलमा पढ़ के मुर्तद भी होया कि कोई ना किसी ने कलमा पढ़ लिया हो तो कलमे तो मुकर गया हो सरदार अबू सुफयान कहन लगे मुकरन वाली गल कोई ना जेड़ा एक बारी कमली वाले का पला फड़ लैंदा है फिर छड़दा नहीं छड़दा जेड़ा एक बारी लड़ लग जांदा है वह फिर हटदा नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाह दे तन मन दन आन बान शान दियां बाजियां लगा देने वाले मेरे पैगंबर दे सहाबा अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर मक्क्यों हिजरत करके मदीने दे अंदर आए ना एक बुढ़री ते नहीफा जी माई नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कोल आई मेरे पैगंबर मदीने दे अंदर आए मदीने दे अंदर लोग आके मेरे पैगंबर नूं तोहफे देण लग पए तहाइफ देण लग पए मेरे पैगंबर नूं तोहफे आ रहे ने एक माई आई ते उहने अपना लाल चुकिया छोटा जिहा लाल चुकिया
ਹੈ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸੋਹਣਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਖੁਦਾ ਰਾਤ ਵਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋਹਣਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ, ਆਓ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਮਾਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕਹੋ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਏ ਰਨਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਦਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਦਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? 3 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਮਰਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ 531 ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਰਨਾਲੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਨਾਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਪਰਚੀ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਦਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਦਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਂ, ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਲਿਆਦਾ ਐ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਦੀਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਕਦਿਆਂ ਵਕਾਂਦਿਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਓ, ਦਿਰਹਮ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਆਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ੈਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਹਿਚਾਣਨਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਈਜ਼ ਖੁਸ਼ਲਹਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਭਾਈ ਕਾਰੀ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਹਲਨ ਵਸਹਲਨ, ਮਰਹਬਾ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਸ਼ਾਨੇ ਕੁਰਾਨ, ਅਜ਼ਮਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਅਜ਼ਮਤੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਜਮਾਤ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਰਹਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਜ਼ੈਦ ਆਏ ਤੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੇ,
मैं जाना चाहना ते मैं पैगंबर कलन वास्ते तैयार हाँ। अगर वो राजी ना होया ते नहीं कलांगे। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने पूछा ज़ैद बेटा इन्हां नूं पहचानना है जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मेरा बाप लगता है ऐ मेरा चाचा लगता है ऐ तेनूं लैण वास्ते आए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह दे बाप कहन लगा बेटा ज़ैद आ तेनूं परदेश दे विचों देश दे अंदर लै चलना परदेश दी जिंदगी कांदी जिंदगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह मां तेनूं याद करदी पई है आ तेनूं तेरे देश दे अंदर लै जावां परदेश दीआं मुश्किलां दे विचों कढ के। अल्लाहु अकबर बड़े ही इख्तिसार दे नाल हजरत ज़ैद फरमांदे ने बाबा मेरी मां नूं जाके मेरा सलाम भी कह दे आ जाए ते नाले पैगाम भी दे दे आ जाए। ज़ैद आंदा भी रहेगा जांदा भी रहेगा लेकिन मैं नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा जदों दा कलमा पालिया है नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नूं छड्डना गवारा करदा छड़ना गवारा करदा नहीं। मेरे पैगंबर दे सहाबा कहण वाला कौन काफर पुछण वाला कौन है ते दसण वाला कौन है ते शान किहदा बयान होया मेरे पैगंबर दे सहाबा दा दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे असहाब दियां कुर्बानियां उन्हां नूं समझ के उन्हां दे मुताबक और उन्हां दियां कुर्बानियां ज़ाया ना करन दी तौफीक अता फरमाए। ऐ कुरान पए ने सहाबा दियां कुर्बानियां दा सबूत है हदीसा पईआं ने महफूज सहाबा दियां कुर्बानियां पिछे ने। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।